मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कहा सफर की बात है, हम नहीं जा सकते। बाकी बस पे मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते फिर हम कैसे जाएंगे? मौसम अच्छा होता तो फिर पता चला जाता है। 4 बजे यार इधर से बस जाती है 4 बजे सेकंड टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चला गया ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक भी डालना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक ठाक हैं। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए, जो बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे। जो हमारे चैनल पर न्यू आ चुके हैं हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, चलते इसी दुआ नल विलोक की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह नई सुबह का आगाज़ हो चुका है तो हम भी हाजिर हो चुके हैं। सुबह का टाइम है माशाल्लाह, नाश्ता वगैरह बन रहा है तो वो चलते हैं देखते हैं क्या बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, आप घर में बच्चे भी सब ठीक हैं, आप सब बहन भाई की दुआएं। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल का लो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो फॉलो वॉच करें। तो माशाल्लाह सुबह का टाइम हो चुका है तो हम भी आदर हो चुके हैं। तो अभी जो है ना बच्चे के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर दिए, आप सब हमारे साथ रहना, वीडियो कॉल वॉच करना, वीडियो सपेट नहीं करना। माशाल्लाह जी चाय रेडी हो चुकी है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को देना स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी सब को देना। माशाल्लाह सब नाश्ता कर रहे हैं। माशाल्लाह जी साहब ने नाश्ता कर लिया है। अभी जो है रुखसाना कर रही है नाश्ता। रुखसाना वो जो लसूड़ा बॉयल करके रखा था ना और मिर्ची भी, अचार डालना है डाल दूँ? तो डाल दो, उनको डाल दो फिर ठंडा टाइम है, मसाले वो सही सोख चुका है ना? अब वो तो सोख गया बिल्कुल, यस है। चले उसको डाल दूँ अभी? अभी डाल दो। पहले मिर्ची डालूँ या लसूड़ा? लसूड़ा डाल दो फिर मिर्ची डाल देना, फिर मिक्स करना है। हाँ तो ऐसे रख। अच्छा अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक्कन दे के रख दूँ? ऐसे मैं। अच्छा और मसाले भी लेने हैं? मिसाले, हाँ मिसाले भी लेंगे। वो अक्सा भी आ रही है इधर, बुशरा, सुमैया, तो है नहीं वो चली गई, ये ऐसे खेल रही है। वो चाय उन्होंने बनाई होगी ना, सुबह बनाते हैं ना वो, सुबह सुबह पीती है। चले हम अभी अचार डालते हैं, आप सब ने हमारे साथ जुड़े रहना है, देखना हम कैसे अचार डालते हैं। अभी जो मैं बाल्टी ले आ रहा हूँ, अक्सा भी आ गई है, बुशरा भी आ गई है, सुमैया भी आ गई है। क्या करने आई हो? अरे हो इसको ना छेड़ो, ये हमारा तेल है अचार वाला। अब इसका ढकना ओपन करते हैं फिर देखना जो कैसा लगता है। हाँ ये है तेल सरसों का, सही है। ये होगा अचार वाला तेल। अभी जो है ना बंद कर दो, ये जो पिछले साल अचार डाला था ना ये वो थोड़ा जा ऊपर लगा हुआ है ना कमंडल पे, ये साफ कर लेंगे ना। न्यू अचार जो डाल रहा है ना तेल तक साफ कर लेंगे।
ये मैल होती है ना, सही नहीं होती वो, सही है ना। ये तो तंदूरी धो लेंगे दोबारा, इसको अच्छे तरीके से साफ करना होता है, सही है ना। चलें आप दिखाओ हमने कैसा साफ किया कमंडली को। वीआईपी बन गई ना? हाँ जी, हाँ जी, ये बन गई वीआईपी। ढक्कन को अंदर से साफ कर लेंगे, ये जो पसीना वगैरह मैल मिट्टी वगैरह होगी ना, ये सारी साफ कर लूँगा ताकि ये खराब ना करे अचार को, सही है ना। ये है तो तेल, अभी ढक्कन को मैंने साफ करके रख दिया है। अभी डालते हैं हम इसमें लसूड़ा, लसूड़ा जानती हो लसूड़ा? ये रखा है सलूड़ा, सलूड़ा को भी कपड़ा लगा देते हैं ताकि सुखाते वक्त ना मिट्टी वगैरह जो आती है ना वो साफ हो जाएगी, कपड़ा गीला करके लगाएंगे। जैसे खजूर पहले सुखाते थे ना पेड़ जिसको हम बोलते थे, वो जब सूख जाते थे उसको कपड़ा लगा देते थे, फिर वो चमक जाती थी, मिट्टी वगैरह जो उसकी होती है ना वो सारी निकल जाती है। करीब से दिखाओ, देखो इसको कपड़ा लगाएंगे ना ये हो जाएगी साफ, बिल्कुल धूल मिट्टी फिर जा रहे हैं ना। फिर अयूब खान रोज कहेगा हमको अचार चाहिए, मैं अचार के साथ खाना खाना चाहता हूँ। चले ये इसको हमने कपड़ा लगा दिया गीला गीला, अभी इसको डालते हैं। देखो डालो डालो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लसूड़ा हमारा चला गया, दिखाओ चला गया ना। हाँ जी। अब ये हमारी आगे मिर्ची दिखाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आगे मिर्ची देखो कितना कमंडल भर गया। अब हम इसको रलाएंगे इस चम्मच के साथ, फिर धो के रख देंगे, सही ना। पहले इसका मुंह जो है तंदूरी के साथ साफ कर लेंगे। ये हमने बड़ा वाला चिमा लिया था, कढ़ाई के साथ लिया था पता है, फिर कढ़ाई जब बनाएंगे ऐसे चम्मच लगाएंगे क्योंकि आग ज्यादा होती है ना, इधर करके ऐसे चम्मच लगा लिया। इधर देखो लगाओ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारे मिसाले मिक्स करेंगे, ऐसे लगाएंगे। नमक भी डालना है? हाँ। नमक आ चुका है, पाउडर नमक ये भी ऐड करना होता है। कितना? एक मुठ डाल रहा हूँ। बस ज्यादा नहीं डालना ताकि फिर नमक ज्यादा हो खाए ना जाए। अब इसको ढक्कन दे दें। चलो इसको ढक्कन दे दें।
आ चुके हैं थापिया लेने के लिए। थापियाँ भी आज हमारी मेरे ख्याल में थोड़ी सी रखी हुई है, आज और कल की होंगी बस, है ना। आप भी तंदूर जलाएंगे, शाम को भी जलाएंगे, सारा भी बनेगा आज ही होगा। और ले आएंगे हाँ, कचरा वगैरह जो बच्चे का रहा थोड़ा बहुत, ये भी ख़त्म हो गई, इसकी भी परेशानी बन गई है। कोई परेशानी नहीं है, गर्मी ज्यादा होती है, जाने आने के लिए परेशानी नहीं। आखिर बंदा अपने खाने के लिए जहाँ भी जाए भागता है, गर्मी में जाए सर्दी में जाए, होता है वो तो करना ही होता है। तो फिर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठंडे टाइम पे आएंगे। पेट के लिए बंदा कहाँ कहाँ पता है आप जाता है, दूर दूर जाता है, ऐसे समझो दुबई जाता है, सऊदी जाता है, यूके जाता है, इंडिया जाता है, जहाँ दिल करे इस पेड़ के लिए जाता है। हम तो थापे लेने के लिए इधर नहीं जा सकते क्या। ओ हो तवा आपके पास आ रहा है, वो कहता है आग पे चढ़ाओ ठंडा हो जाए ना ज्यादा। अच्छा, रोटी बनाओ मेरे ऊपर। हाँ, मैंने कहा भी सुबह तो बनाया है इसके ऊपर, गर्म की थी ना, गरम किया। सुमैया वो दरवाजा बंद करके आओ, अभी मैं जाना है वो कचरा लेने के लिए, आप पैसे। अच्छा चल दीजिए, ले आओ जाओ। हाँ। सुमैया आप भी जाओगे? हाँ। जाओ फिर। हाँ। मैं जाऊंगी। तो इनको भेज दो, आप ना जाओ। नहीं, अच्छा अच्छा माशाल्लाह, तंदूर तो जला दिया रुखसाना। हाँ जी जला दी है। हवा कितनी ठंडी चल रही है? हवा बहुत अच्छी चल रही है, ऐसे दिल करता है खुद सो जाओ, नींद आ रही है। नींद आ रही है। मजे की हवा है, ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी। गर्मी है ना, गर्मी से ज्यादा नींद आती है, आंखें भी नहीं उठती। वो देखें साए जो ना ऐसे झुलक रहे हैं। हाँ। बाहर भी काफी हवा चल रही है, बहुत ज्यादा हवा है। और तंदूर जला दिया है माशाल्लाह, ये रखता होगा फिर रोटियां बनाएंगे दोपहर के लिए। जलेगा तो फिर रोटी बनाऊंगी, इसलिए तो बैठी हूँ गली में। हाँ, हाँ, ये तो है, बैठना हाँ, होता है। हाँ जी, रोटी बनाएंगे, रोटी बना के फिर। अच्छा। तो रखा है ना राती वाला। और कार्ड जो आया हुआ है भाई हनीफ की शादी का, तो आपको उसका क्या सोचना है? आपको पता, मैं क्या बताऊंगा, आपका पता आप है ना, जो चीज आप करोगे, आप घर के साथ बड़ा हो बड़े हो, आपको पता है, हमें क्या पता। नहीं आप जा सकोगी? बस से तो हम नहीं जाते। क्यों? इतनी सफर से बस से कैसे जाएं, इधर हम बेहोश हो जाते हैं, फिर बस में पे कैसे जाएंगे? फिर किस चीज पे जाओ? 5-6 घंटे का सफर है, थोड़ा नहीं है। हाँ ये तो है। हाँ काफी सफर है,
फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे सोचो। अपनी गाड़ी तो नहीं है, जहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है तो फिर चले जाएं। अपनी तो गाड़ी पे भी सफर करना है, उस गाड़ी पे भी सफर करना है। सफर तो सफर होता है, सफर जिस होते गाड़ी जैसे करो। छोटी गाड़ी हो ना, कार वगैरह, बस पे कोई धक्का वगैरह नहीं आता। बस में परेशानी बनती है, बस पे नहीं जा सकते। क्या परेशानी? सफर है और लोड होती है बस की ज्यादी। अच्छा हाँ। फिर हब्बस बन जाती है। बस बन जाती है। अच्छा हाँ जी, इसलिए जी ये मसला है, आगे गर्मी आने जाने का मसला बन रहा है। गर्मी कितना है? गर्मी तो बहुत है। फिर क्या करेंगे? और कोई सवारी आपने जहन में हो तो फिर ढूंढ है। और तो कोई नहीं है तो किराए वाले जाती हैं बस। किराए वाले को बोलो तो वो कहेंगे हम 20,000 लेंगे। हाँ, 14,000 का तो सिर्फ पेट्रोल चलता है आने जाने का इधर से। बस पे तो किराया कम लगेगा, 2,000 लग जाएगा एक बंदे का। हाँ, आपको पता है 700 लगता है हमारे अलीपुर तक। अलीपुर से जाए कोट तो 512-1300 एक बंदे का लग जाएगा। तो वो जो गाड़ी होती है ना कार स्पेशल, वो तो 20,000 से कम नहीं लेगा। सवारी अच्छी, बल्कि ज्यादा लेगा। वो जाता तो है लेकिन वो अच्छी तो है लेकिन फुर्सत जो नहीं है बंदे की, कैसे जाए। ये बात मैं आपको कह रही हूँ, आप सोचो आपकी जैसे दिल करे। हम बस पे नहीं जा सकते इतनी सफर पे। अच्छा हाँ। फिर समझो ना गए तो इतनी सफर पे आगे हमारी तबीयत सही नहीं है, फिर गर्मी बहुत है। नहीं, ठंडे टाइम सफर करो। ठंडे टाइम क्या, रात को सफर करो? हाँ, सुबह 5 बजे 4 बजे बैठो, 10 बजे पहुंच जाओगे। अलीपुर नहीं है, अलीपुर से आगे आधा सफर पोर्ट है कोटा। यार 4 से 6 घंटे लगाओ, 10 बज जाती है। तो फिर उस टाइम जब अल्ताफ भाई आए थे इधर हमारे घर से, हाँ, तो उन्होंने कहा हम सुबह जो है ना 8 बजे बैठे थे तो इधर जो है ना उन्होंने 4 बजे भी पहुँचे हैं, 4 बजे रही टाइम। तो कितना पूरे दिन का सफर था। तो फिर यार हमारे अलीपुर से 2.5 घंटे पोर्ट सफर है, मुल्तान के करीब कोट है। वो तो है। फिर 3 घंटे इधर के गण और 2 उधर के, 5.5 घंटे 6 घंटे 5 घंटे इतने लगते हैं, आधा दिन लगता है समझो सफर करने में। तो उसमें क्या करें, सफर भी है, उधर भी जाना है, किराया वगैरह और शादी का खर्चा, और इधर घर के कपड़े वगैरह बच्चों के नहीं है, हमारे भी नहीं है, ऐसे तो नहीं जा सकते ना। सही है, वो तो लेने हैं। आपको पता है ईद ऊपर आ गई है, ना ही हम ईद के कपड़े लिए हैं, ना कि शादी की शॉपिंग की है, हम कैसे जाएं? कपड़े तो यही हैं जो पहन के बैठे हैं, यही पहन के चले। जाने का इरादा तो सब कुछ हो जाता है, जब जाने का इरादा ना कुछ नहीं होता। अभी तो 7 तारीख को शादी है, तो आज 3 है, कल 4 है, परसों 5 है, तरसों 6 है, 4 दिन पड़े हैं पूरे। 4 दिन में कपड़े नहीं ले सकती ना उनको बना सकती हो। 7 दिन, 7 तारीख को शादी शुरू होगी जो खत्म होगी? 7 डेट को शायद शादी शुरू है या खत्म है, ये पूरा पता नहीं है। 7 डेट दी है उन्होंने, शुरू है मेरे ख्याल 7 को। चलो देख लेंगे। बनने की तैयारी फिर बताएंगे। अभी नहीं है, अभी तो सोच में नहीं है ना, ऐसे क्या बताऊंगा, अपना हिसाब किताब देख लेंगे। तो मेरा में जल चुका है, कुडनी लगाई जा रही है, उसको फरोली दी जा रही है, अभी ब्लैक है। अच्छा, और गुहे डाल दो एक दो, फिर लाल हो जाएगा। अभी कलर भी चेंज नहीं करता, आग मट्ठी मट्ठी होती है ना। किधर गई थी? अक्सा के पास। अच्छा, खेलने सब किराने गई थी। माशाल्लाह जी, तंदूर रत्ता लाल हो चुका है, रुखसाना भी किचन में पहुंच चुकी है, तो आटा लेने चली गई है। आटा गूंद के रख दिया था पहले। हाँ जी।
माशाल्लाह। अभी पानी भी साथ भर के ले जाओगे? आटा मुझे तो मैं उठा के रख दूँ, वजन ही कुछ ज़्यादा है, तो फिर आप पानी हौला हौला ले आओ। ये क्या जला दिया है थाल को? तंदूर के साथ रखा था, वो जो कुडनी मारता है ना लकड़, वो साथ रखी थी, उसके साथ जल गया है। आटा मैंने रख दिया है, पानी लेके आ रही है, फिर रोटियां बनाएगी। अबू, अच्छा अयूब खान ने आपको मोबाइल नहीं दिया, आप खेलने जा रही हो, जाओ। रूबी, अयूबी ना तो रूबी, चलें। अभी जो है मोरी को कर दिया है बंद, ताकि इधर से हवा अंदर ना जाए, तंदूर विस में भी ना, हाँ। जौंस जाता है फिर जी। ये तो तरीका किसने सोचा है? कुम्हार ने, हाँ, कुम्हार ने जब तंदूर मिट्टी वाले बनाया तो ये सुराख रखा, हाँ। फिर उसने कहा जब तंदूर जल जाए इस सुराख को बंद कर दो, हाँ। इस सुराख से हवा भी नहीं जाए जी। अच्छा, अगर हवा जाती रहे तो आपके आग जो है ना विस में जाएगी, हाँ। अच्छा सही है, चलें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पहला पहला पेड़ा लगाना शुरू कर दिया है, गेट में बंद करके आया हूँ, बच्चे लोग खोल के चले जाते हैं। बाजू तो थक जाते थे ऐसे हो जाती है। अच्छा, हाँ। बाजू हेलक हो गए हैं, हाँ नजर लग गई, हाँ, हाथ से गिर, वो सही हाथ जो ना लगे रोटी फिर नजर लग जाती है, हाँ, नजर लग जाती है। रोटी टूट जाती है उसको नजर लग जाती है, नजर नहीं लगती। पेड़ा साफ सुथरा बनाओ, रोटी सही बधाओ, ऐसे ये वाली रोटी चाहिए। आज सोना सोना बन जाए, फूलने वाली रोटियां माशाल्लाह, है ना? हां सही है ना, ये वास्ते फूल लगते हैं। लकड़ के आग तो वैसे भी अच्छी होती है, थापियों की कोशिश ढीली होती है, बहुत प्यारी बन रही है। चलें, अल्लाह पाक खैर करे, आप रोटी बना लो, फिर करते हैं मशवरा इंशाल्लाह। शादी पे जाने का क्या मशवरा होता है, कैसे होता है, सही है? माशाल्लाह तंदूर खाली है, रोटियां बना लिया है, मखली भी लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तंदूरी रोटी को घी के साथ मख दिया है। अभी खाने के लिए सालन है, सालन रखा है, दही भी लेनी है, दही भी लेनी है, अभी नहीं खाता, दही ले आते हैं। चीको चीको, दही मैं ले आया हूँ, रुखसान को दे दिया है, इसको क्या करना है? अभी लस्सी बना रही है क्या? और क्या करेंगे, अब्बू जान तो दही के साथ खाता है ना, उसको दही दे देते हैं। ऐसा अभी रोटी लगाने आई है, सही है। थे खटड़ा सट्टा कर लिए, सुमा इतना ठंडी हवा है, दही भी ऐसे दूध बन गई है, लेके आए, गाढ़ी नहीं बनती, पनी क्या है जो आपने हाथों वाली होती है ऐसे नहीं बनती है, हाथों वाली है ये, और क्या ये मशीन बनाती है? नहीं, खरीद के आते हैं ना, ज्यादा
है, जो आपने हाथ से बनाया था मतलब खालिस खीर होता है, उसमें दही अच्छी वो बनती है। माशाल्लाह जी, रात वाला सालन कद्दू का जो है आ चुका है, अभी कर रहे हैं हम नाश्ता। जिसने नाश्ता करना हो आ जाओ, तंदूरी रोटी घी के साथ मक्खी और लस्सी। माशाल्लाह देखें, लस्सी भी आ चुकी है, ठंडी ठंडी ठार लस्सी। हाँ जी, ऐसे ना जी। हाँ जी, अभी करते हैं नाश्ता, इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी जो है खाना वगैरह खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी रूम में बैठे हैं तो रुखसाना से पूछ रहे हैं कि वो शादी का क्या प्रोग्राम है जाने का, तो वो बताएगी जाना है कि नहीं जाना, आज फाइनल करना है क्योंकि बाकी डेट जो है ना थोड़े दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं, आपको पता है 3 दिन रह गए हैं। अभी इसने बताना है कि जाना है या नहीं जाना, आप बताओगी, आप बताओगे। मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने कहा सफर की बात है, हम नहीं जा सकते। सफर की बात है? हाँ, सफर ज्यादा है। अच्छा, सफर तो बहुत ज्यादा है, आपसे इतना ज्यादा सफर नहीं होगा। नहीं होता, मैं अगर गाड़ी होती वो जैसे कोई कार होती है ना, कार उस पे तो बंदा जा सकता है। हाँ, बाकी बस पे मोटरसाइकिल पे नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, सफर नहीं होता। गर्मी भी ज्यादा है और सफर भी ज्यादा है। मैं आपको पता है थोड़ा सा काम करती हूँ, हमारा ब्लड लो हो जाता है, मैं इतनी सफर से नहीं बैठ सकती, नहीं सफर होता हमारे से, ये हमारी मजबूरी है। इसको चेक करो, वो आप दुपट्टा उठा रही है, दुपट्टा पहन के फिर उतार देती है। हाँ जी, अच्छा, हमारी तो यही बात है, आपकी दिल की बात आप जो सोचो, जैसे आपको आप नहीं जा सकती फिर हम कैसे जाएंगे, हम तो आपके साथ है ना, हमारा काम भी आपके साथ है ना, हमारी तो मजबूरी है, हम तो नहीं जा सकते ना। सही है, मौसम अच्छा होता तो फिर बंदा चला जाता है। मौसम तो अच्छा है वैसे, मौसम क्या है, मौसम गर्मी ज्यादा है ना, गर्मी ज्यादा है, कौन सा मौसम अच्छा अभी है? जो ना टाइम हो गया है 10:30 का, आपको पता है। हाँ, 10:30 का टाइम हो चुका है, तो इस टाइम बंदा पहुँच जाता है, अगर 4 बजे बस पे बैठ जाए तो सुकून से पहुंच सकता है। शाम सुबह के 4 बजे यार, इधर से बस जाती है 4 बजे सेकंड टाइम। हाँ, मिसाल बताओ पे। हाँ, पिछले टाइम। हाँ, इधर से जाए तो फिर तो ठंडा टाइम होता रहेगा। हाँ, फिर ईशा के टाइम बंदा उधर पहुंच जाता है, रात के वक्त। हाँ, रात के ठंडे वक्त इधर से जाती भी ऐसे है मेरे ख्याल में 2 बजे या 3 बजे। हाँ, तो मैंने ये कहा है, तो आप तो अच्छा कहा है, उनकी बहुत मेहरबानी है, बहुत शुक्रिया है भाई की, उन्होंने कार्ड दिया है हमें, उन्होंने बुलाया है, फिर हमारी मजबूरी, हम तो नहीं जा सकते ना। हम कैसे जाएं? इसका दुपट्टा भी ऊपर आ जाता है, इसको ठहा के फिर उतार लेती है, फिर पहनना शुरू कर देती है ये। अभी भी हमारी तबीयत सही नहीं है, जब तबीयत सही होती तो फिर भी चले जाते हैं। क्या करें फिर, जाना तो लाजमी है, जाना है फिर वो नाराज होगा, कहेगा मैंने कार्ड दिया फिर भी नहीं आए। उनका पहला बेटा है मेरे घर में, शादी करा है उसकी, तो पहला होगा, पहले तो बेटे की शादी की है। उस टाइम वक्फियत भी नहीं होगी हमारी, अभी न्यू वक्फियत है ना। हाँ, तो आना जाना भी अभी हुआ है, तो अभी क्या करें आप सोच लो फिर। मैं क्या सोचूं, मैं आपके साथ हूं, आपने सोचना है, आपसे सफ़र हो जाए तो फिर चले जाते हैं, नहीं होता तो फिर ये तो मजबूरी है, जाना इलाज में ज़्यादा किसी को भेज दें, कौन जाता है, इसीलिए तो और है कोई जाने वाला, तहर काम कर रहा है, ईद का सीज़न है, वो भी अकेला नहीं जा सकता ना, क्योंकि नहीं कभी जा आया गया नहीं है ना, अबू जान भी अकेला नहीं जा सकता क्योंकि वो भी कभी नहीं आया गया। और कौन जाता है? हम दोनों आते जाते हैं बस, हम तो 2 चक्कर लगाए हैं ना, तो अभी मसला ये है हमारी तबीयत का ना, सफर की बात है, मैं ये बात कह रही हूँ, फिर जाए उधर हमारी तबीयत सही होगी तो मैं भी जाऊँगी, नहीं होगी तो फिर जाके उधर तबीयत खराब हो जाए तो फिर क्या करेंगे, उधर डॉक्टर नहीं है।
फिर शादी कहेंगे जी अपनी नहीं इधर हो जाए तो फिर वो तो अल्लाह के हाथ में है, दुख सुख अल्लाह के हाथ में होता है, बंदे के वास में नहीं होता। शिफा देने वाली अल्लाह को जाते हैं, दुख देने वाली वो मिल जाते हैं। और क्या करें, देख लो फिर भी सोच लो, आज भी सोच लो, आज का दिन है पूरा सोचते हैं फिर बताएंगे। आज पूरा दिन सोचेंगे, सोचने का वक्त भी नहीं है ना, फिर तैयारी अगर करनी है तो आज के दिन कुछ तैयारी, आपको पता है फिर तैयारी करने में टाइम ही लगता है, फिर दिन ऐसे चले ना जाए, ये बताना है। चलो करते हैं तैयारी, ठीक है चलें जी। इसने कह दिया है कि तैयारी करते हैं इंशाल्लाह, इस शादी पर हमने जाना ज़रूर है, क्योंकि फिर भाई नाराज़ होगा, उसका जो है पहला बेटा जो है ना। आप भी जाओगी? मैं भी जाऊंगी। बुशरा भी जाएगी? ये तो हमारे साथ होती है ना, बुशरा और सुमैया हमारे साथ होती है। चले ठीक है, अभी जो है ना सब करते हैं तैयारियाँ। हाँ वो कहती है अभी हमारे कपड़े लेने हैं, कपड़े लेने हैं, इनके जूते लेने हैं, फिर तैयारी बनेगी ऐसे ना। तो इंशाल्लाह ताला आप मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान, पाक फौज, सब बहन भाई, अल्लाह हाफिज़।